की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। डाल्टनगंज भंडारिया विधानसभा के विधायक आलोक चौरसिया को नरसिंहपुर पत्रा के उप मुखिया प्रेम कुमार गुप्ता ने विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा सत्र में आवाज उठाने के लिए ज्ञापन सौंपा। उप मुखिया प्रेम कुमार गुप्ता ने बताया कि नरसिंहपुर पत्रा को प्रखंड बनाया जाए, श्री महावीर मंदिर परिसर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराया जाए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नरसिंहपुर पत्रा में डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस और दवा की सुविधा मुहैया उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए हम सभी विधायक आलोक चौरसिया को ज्ञापन सौंपते हैं। उप मुखिया ने आगे कहा कि चैनपुर प्रखंड के 12 पंचायत में लगभग 60,000 की आबादी है और प्रखंड कार्यालय और डाल्टनगंज जाने के लिए 25 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश समन्वय भीष्म चौरसिया, चैनपुर उत्तरी के जिला परिषद सदस्य रामलव चौरसिया, भाजपा पथरा मंडल संयोजक राहुल श्रीवास्तव, मंझीगावा पंचायत के उप मुखिया श्याम सुंदर चौरसिया, बांसडीह पंचायत के उप मुखिया मुन्ना चौरसिया शामिल थे। ज्ञापन सौंपा। विधायक से मिलकर ग्राम पंचायत नरसिंहपुर पथरा को प्रखंड बनाने और ग्राम नरसिंहपुर पथरा के महावीर मंदिर न्यास समिति को प्रखंड का दर्जा दिलाने और तीसरा मांग ग्राम पंचायत नरसिंहपुर पथरा में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराने के लिए डॉक्टर लोग नहीं आते हैं, उस पर डॉक्टर लोग को उसमें बहाल किया जाए और एम्बुलेंस की कमी है, वहाँ पे दवा का भी कमी है, इसी को लेकर विधायक जी को ज्ञापन सौंपे ताकि वो अपने विधानसभा सत्र में इस आवाज़ को उठाए। नहीं कहकर मैं अपने वाणी को